ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। हम नारायण किले के बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पर हैं, बहुत ही शानदार दृश्य है। और यहाँ से जितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है देखिए, और ये नीचे का नज़ारा है। अभी हम टॉप फ्लोर पर हैं और यहाँ से जो शहर है बिल्कुल बहुत छोटा दिख रहा है, पीछे देख सकते हैं आप। और आगे बिल्कुल ये इसकी छतरी वगैरह है, काफ़ी सुंदर है। और ये देखिए रिंगा जंक्शन है। आप भी जब कभी आए यहाँ पर नारायण किले घूमने के लिए, तो सबसे पहले आप मतलब जयपुर पहुँचना पड़ेगा। अब हम जयपुर ही जाएंगे, उसके बाद जयपुर से सिंधी कैंप बस स्टैंड जाते हैं, वहाँ से आपको सीधा बुक कर सकते हैं, बस भी जाती हैं, ऑटो भी कर सकते हो जो कि नारायण किले के लिए जाती है। उसके दो रूट जाते हैं, एक तो बाइक से भी जा सकते हैं, बाइक से बुकिंग होती है। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं जयपुर में, ये मुख्य प्रवेश द्वार है जयपुर में, जहाँ से हम नारायण किले की तरफ जाएंगे। इसके पास ही हॉमेल वगैरह है, तो यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारा है देखिए, और कितना अच्छा लग रहा है ये द्वार, प्रवेश द्वार इसका जयपुर का। ये बाज़ार वगैरह है यहाँ का, काफ़ी सुंदर है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि ये, और काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ का, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और जयपुर का बाजार है, जयपुर में ही चल रहे हैं हम, नारायण किले की तरफ जा रहे हैं। और नारायण किले का दिखाएंगे वहाँ का जो भी है, कैसा नारायण किला अपने, ये फिलहाल हम बैठे हुए हैं अच्छी में, और नारायण किले पहुँच रहे हैं। जैसे नारायण किले पहुँच जाएंगे वहाँ नज़ारा दिखाएंगे आपको। और ये बाजार है यहाँ जयपुर का, बाजार देखिए किसी बनावट है सब दुकानों की। और ये सा है दाएँ और बाएँ दोनों साइड दुकान एक जैसे बनाई गई है। बाजार ये है, ये देख सकते हैं आप बाजार, जयपुर के बाजार की जात है। तो वही चल रहे हैं हम, ये पूरा नज़ारा दिखाएंगे हम नारायण किले का, और इसमें क्या खास है। इसको राजा सवाई मान सिंह ने बनवाया था, और ये अपने आप में खास है, ये आमेर के किला को जोड़ता है आप। और चलते हैं उधर ही, ये काफ़ी ऊंचा है भाई नारायण किला। अब चलते हैं देखते हैं, ये देखिए भाई यही है नारायण का किला, और ये काफ़ी अच्छा है देख सकते हैं, इसकी वास्तुकला बहुत अच्छी है। और राजा मानसिंह ने, सवाई मानसिंह ने बनवाया था इसे। ये देखिए ये पीछे दिख रहा, देखिए नारायण किला ही है, काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से पूरा जयपुर का व्यू दिख जाता है, ऊपर हम दिखाएंगे पूरा नक्शा आपको। देखिए यहाँ से पूरा जयपुर का नज़ारा दिख रहा है। अभी हम देख सकते हैं, अभी यहाँ से नारायण किला काफ़ी ऊपर है, अभी हम वहाँ ऊपर तक नहीं पहुँचे हैं अभी, तो यहीं से पूरा देखिए पूरा शहर दिख रहा है। ये जो सामने दिख रही है वो अरावली पहाड़ी है, और ये जो नारायण किला है अरावली पहाड़ी पर ही है। और इसको ये आमेर किला और जैसे जयगढ़ किला उसी की तरह सेम है, इसकी किलेबंदी भी है चारों साइड से, और ऐसा बताया जाता है। तो ये जो नारायण किला है, नारायण किले का नाम मतलब कहते हैं बाघ, बाघ जैसे बाघ से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर एक राजा थे, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए उसमें मंदिर बनाया गया है, आत्मा की शांति के लिए, नारसिंह की आत्मा की शांति के लिए, तो इसलिए इसका नाम नारायण किला पड़ा गया। वैसे इसका मूल नाम था फिर सुदर्शनगढ़ किला, लेकिन इसका बाद में नाम पड़ गया नारगढ़ किला, क्योंकि जो उसकी आत्मा की शांति थी, नारसिंह राजा था, उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया अंदर, हम उसको दिखाएंगे। तो अंदर चलेंगे, पूरा नज़ारा बताएंगे आपको। और ये अरावली पहाड़ी पर है, चारों साइड से इसकी घेराबंदी है, बहुत अच्छा किला है, शानदार किला है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ से पूरा दृश्य हमको पूरे शहर का देखने को मिल जाता है। ये देखिए अभी तो ऊंचाई पर नहीं पहुँचे हैं, इसके बावजूद आप देख सकते हैं पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से, बहुत छोटा दिख रहा है देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत छोटा दिख रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल शहर दिख रहा है साफ साफ। और अभी हम बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसके बावजूद देखिए नारायण किला तो ऊपर है यहाँ पर है, और ये यहाँ पुलिस चौकी है नारायण किले की, और नीचे हैं वहाँ जाएंगे तो वहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे। अभी हम पुलिस चौकी पर पहुँच चुके हैं नारायण किले के पास, और ऊपर चलेंगे हम। और यहाँ सामने ये देखिए ये जो तीर्थयार किला देखने के लिए, ये सामने देख सकते हैं आप, चढ़ाई काफ़ी ऊँची है, लेकिन एक यंग और जवान ही आराम चढ़ सकता है, बाकी चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है सर। ये देखिए आप, और ये चारों साइड किले बंदी थी, ऊपर दीवार बनी हुई है नारायण किले पर, मतलब चारों साइड से बाउंड्री है। इस पर वैसे बताया जाता है इतिहास में कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन मराठा साम्राज्य वगैरह ने संधि वगैरह की थी यहाँ पर, हमें काफ़ी ऊंचा है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर चढ़ना बहुत टफ पड़ता है एक बुजुर्ग आदमी के लिए, अगर यहाँ पर जवान हो तो आराम चढ़ जाओगे।
ये देखिए ये भाई, यहाँ चढ़ाई बहुत कठिन है, इसमें चढ़ने के लिए 9-10 मोड़ क्रॉस करने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई देख सकते हैं आप। यहाँ से जो यहाँ के आसपास के घर हैं वो बहुत नीचे दिख रहे हैं और यहाँ से भी तो अभी देखिए ऊँचा अभी तो, अब लेकिन पास ही है, हम करीब पहुँच रहे हैं। आप यहाँ चढ़ना बहुत कठिन पड़ता है, एक अपने आप में एक माउंटेन क्लाइंबिंग जैसा है, और वैसे भी अरावली पहाड़ी के ऊपर तो है ही है, तो बस पहले पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा, यहीं पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद नाहरगढ़ किले के दर्शन हो पाएंगे। ये जो टावर दिख रहा है सामने, वही नाहरगढ़ किले का एक डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँच कर हम नज़ारा दिखाएंगे आपको। और मोड़ बहुत हैं भाई यहाँ पर आने के लिए, 9-10 मोड़ हैं, वो सब क्रॉस करने होते हैं तब कहीं जा करके आप नाहरगढ़ किले पर पहुँच पाते हैं। और ये देखिए लड़के आ रहे हैं, काफ़ी नक्शा बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ से आसपास की लोकेशन का, भाई देख लीजिए आप, फ्लेक्स करना पड़ रहा है, थक चुके हैं हम यहाँ पे आते आते, ऊपर जाने के लिए थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। भाई ये देखो यहाँ बीच में झील है, साफ दिख रही एकदम, और घर द्वार आगे तो बिल्कुल छोटे छोटे दिख ही रहे हैं। नारायण किले में चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ। वैसे ये बात तो है भाई, राजा महाराजा के जो कारनामे तंगड़े ही मिलते हैं, रहने सहने की व्यवस्था किले मतलब अजीब, कोई साला सोच ही ना पाए, कोई छोटा मोटा तो चढ़ ही नहीं पाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर चढ़ ही रहा रहे भाई। चढ़ने के लिए 9-10 चक्कर क्रॉस करने पड़ते हैं भाई, टफ है बड़ा भाई, छोटा मोटा आदमी नहीं चढ़ पाएगा इसमें, हम बता रहे हैं आपको, काफ़ी ऊंचा है नारायण किला, इसके लिए बिल्कुल ताकत चाहिए अच्छी खासी 9-10 उनको क्रॉस करने के लिए, तभी चढ़ सकते हैं आप। और चकाचक कर रखिए मतलब राजा महाराजा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए उनको, ना कोई आक्रमण करे ना कोई हमला करे, सब व्यवस्था स्वस्त, हमेशा किले के ऊपर बनाया, ज़्यादातर ऊंचाई पर बनाया जाता है ताकि कोई हमला ना कर पाए, और यहीं से पूरा बैठा बैठा राजा अपना शहर का नज़ारा देख लेते हैं। ये देखना भैया कितने यहाँ मोड़ हैं, कम से कम 9-10 मोड़ हैं, वहाँ से जो बाइक वैब जो आंटी बैठी है उससे भी नीचे से हम आ रहे हैं, बहुत नीचे से कम 10 मोड़ तो हमने क्रॉस कर दिया अब तक, अभी तो शायद 1-2 मोड़ और आएगा तब जाके हम पहुँचेंगे नारायण किले के डेस्टिनेशन पॉइंट। ये देख लीजिए सामने दिख रही डेस्टिनेशन, लेकिन काफ़ी ऊँची है यार, काफ़ी मोड़ ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा मोड़ है यहाँ पर, स्कूटी से बाइक से आते लोग। ये देखिए ये नारायण किले का कुंड है, ये देखिए थोड़ा दूरी पर है लेकिन हम इसे दिखा दे रहे हैं, और ये जो सामने दिख रही है ये नारायण किले की किलेबंदी है, लेकिन ये दीवार बहुत मजबूत है भाई साहब, आज के ज़माने में बता रहा हूँ साला महल टूट जाएगा, लेकिन एक दीवार इतनी मजबूत है ये नहीं टूटने वाली है, पता नहीं किस तरह के मेटल लगाया गया, पुराने टाइम पर मेटल बहुत मजबूत लगाया जाता था भाई, पुराने टाइम की ईंट, पुराने टाइम के पत्थर इतने मजबूत हैं भाई, आज के ज़माने के सारे महल पहाड़ सब फैले उनके आगे, आजकल के जो घर हैं वो सब टूट जाएंगे लेकिन ये नहीं टूटेंगे, इतने मजबूत हैं ये। और हम नाहरगढ़ किले के एक चुके हैं, ये देखिए ये एंट्री गेट है, इसमें हम एंट्री करने वाले हैं, पुरातत्व संग्रहालय विभाग, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग शुल्क है यहाँ पर, टेम्पू ट्रैवल बस 200 रुपये प्रति 2 घंटे के लिए, साइकिल व स्कूटर की 20 रुपये प्रति 2 घंटे के लिए, ये देख सकते हैं आप। और अब हम आगे चल रहे हैं, यहाँ पर सी स्मेल भी है बताया जाता है। आखिर एक डेस्टिनेशन पर हम आ चुके हैं नारायण किले की, पर यहाँ सी स्मेल है और नारायण किला है, तो ऊपर हम दिखाएंगे आपको, चलते हैं। देखिए भाई शीश महल, द पैलेस ऑफ मिरर्स, जयपुर बार म्यूजियम, और भाई ये देखो लाइटिंग वगैरह बहुत बढ़िया लगी हुई है यहाँ पर, एकदम प्रोफेशनल, राजा महाराजा का काम तो भाई एकदम VIP है, जो भी करो बढ़िया, कुछ भी बनाना दीवार बनवाना है तो एकदम VIP, पत्थर लगवाना तो VIP, पैसा आता ही आधुंध, राजा बन के रहते हैं लोग। ये सामने जो दिख रही है वो अरावली पहाड़ी है, और जो किला है नारायण का ये भी अरावली पहाड़ी पर है, और यहाँ पर अधिकतर जो पेड़ है वो छोंकर के हैं सब, देखिए छोंकर का पेड़ है और ये स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं। ये है किलेबंदी फोर्ट की, और ये मेन पार्ट, और ये अम्मा जी आ रही हैं, अम्मा जी थक चुकी हैं, ये अम्मा जी थकावट हो गई है इनको आते आते, चढ़ जाते हैं ना, हम तो पहले गए थे जोधपुर भी, हमको तो आदत बन चुकी है चढ़ने की कहीं पर भी पहाड़ों में, और एक ब्लॉगर का तो काम ही होता है घूमना फिरना,
चढ़ना उतरना तो आदत हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं आती हमको। ये देखिए नारायण किला, ये मुख्य नारायण किला है, इधर रास्ता वहीं आ रहा है, हम चलेंगे उधर ही। ये पार्किंग वगैरह है और यहाँ विदेशी वगैरह भी आते हैं, देखिए बिल्कुल टिप टॉप होकर आते हैं, आप देख सकते हैं फॉरनर्स वगैरह आते हैं। और बिल्कुल हम करीब पहुँच चुके हैं। और ये किले की मेन वॉल है, किलेबंदी से किसी किले किलाबंदी हो रही है, जिससे करीब पहुँचते हुए और आखिर हम पहुँच ही गए नारायण किले की तरफ। और ये नारायण किले की मेन वॉल, इसके लास्ट कदम हम पढ़ने वाले हैं, हमारे इसके ऊपर हम जाने वाले हैं उधर ही, बस उधर ही चलते हैं। ये पार्किंग स्थल है, यहाँ पार्किंग वगैरह हो रही है, आसपास देख सकते हैं पार्किंग स्थल है। और सामने यहाँ सी स्मेल भी है इसमें, और नारायण का किला तो है ही अपने आप में, और सी स्मेल भी है। तो इसकी जनरल टिकट बता दें 22 रुपये की है, और जो सी स्मेल में अगर आप प्रवेश करना चाहते हो तो उसकी टिकट है 500 रुपये की। और हम चलते हैं दिखाते हैं जो भी हुआ, अगर आपको यहाँ कुछ भूख वगैरह, यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी के लिए भी है, खीरा वगैरह ये देख सकते हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं, मिल जाती है आराम से। यहाँ पर ककड़ी, खीरा, कुल्फी भी मिल जाती है देखिए। और यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए राजस्थान पुलिस वगैरह भी लगी हुई है, ताकि कोई अनवांटेड या अनइवन कोई यहाँ पर चीज़ ना हो या कोई चीज़ ना मिले अनावश्यक। तो बस बने रहिए। स्मेल, ये बोर्ड लगे हुए हैं, बात है यहाँ पर, यहाँ लिख रहा है फ्री एंट्री। ये देखिए हम नारायण किले के प्रवेश द्वार पर पहुँच चुके हैं, ये प्रवेश द्वार है और यही यहाँ पर टिकट मिलती है नारायण किले को देखने के लिए। इसके अंदर सी स्मेल भी है और काफ़ी अच्छा नज़ारा सी स्मेल का, और ऊपर से जिसकी कलाकृति वस्तुकला बहुत ही सुंदर है। तो इसके बारे में थोड़ा इतिहास में बता देता हूँ नारायण किले के बारे में। नारायण किला अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है, जो भारतीय राज्य राजस्थान में जयपुर शहर को दिखाता है। आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ नारायण ने कभी शहर के लिए एक मजबूत रक्षा घर बनाया था। किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन इसे नारगढ़ के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। लोकप्रिय धारणा यह है कि यहाँ नाहर सिंह की भूमि यहाँ के लिए खड़ा है, जिसकी आत्मा ने इस जगह को प्रतिवादित किया और किले के निर्माण में बाधा डाली। किले के भीतर उनकी याद में एक मंदिर बनाकर नाहर की आत्मा को शांत किया गया, जो इस प्रकार उनके नाम से जाना जाने लगा। यह थोड़ा सा मैंने इतिहास बता दिया नारायण किले का। अब देखिए पूरा हम दृश्य दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये नारायण किले का एक बक्सा टाइप का है, और ये इसकी ऑफिस है नारायण किले की, यहाँ पर इसका काम होता है पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी डाटाबेस रहता है इनका स्टोर का, तो ऑफिस थी जो मैंने अभी दिखाई थी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए, ये सामने जो दिख रहा है ये रेस्टोरेंट वगैरह था, इसमें भी चलेंगे बाद में, तो पहले हम आगे बढ़ते हुए, ये काफ़ी सुंदर है, और सनराइज पॉइंट वगैरह की तरफ भी चलेंगे, जहाँ से पूरे जयपुर का नज़ारा दिखेगा आपको। तो आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और हम चलते हुए आगे तरफ। और ये देखते रहिए, पीछे का दृश्य बहुत सुंदर है। और आगे हम जब चलेंगे तो पहले सनराइज पॉइंट की तरफ चलेंगे, उसके बाद नारायण किले में प्रवेश करेंगे हम। तो अभी हम चल रहे हैं सनराइज पॉइंट की तरफ, वहाँ पर एक स्टूडियो टाइप का भी है, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो चलते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और ये देखिए ये नारायण किले का जो सीन है, इसकी देखो चारों दीवार, जो चार दीवार बहुत ही मजबूत है, और मतलब इसमें कोई अटैक वटैक ना करे। ये अरावली पहाड़ी पर स्थित है, काफ़ी सुंदर है, यहाँ पार्किंग वगैरह नहीं कर सकते। और ये नारायण किले के अंदर एक कुंड है, मतलब जैसे यहाँ पानी वगैरह की जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह होगा, तो मुझे लग रहा है यहीं पर आता होगा, नीचे है काफ़ी। ये देखिए उधर से पहाड़ी नारायण किले की जो किला है अरावली पहाड़ी के ऊपर, तो उसकी बाउंड्री के उसके नीचे ये बना हुआ है, ताकि जितना पानी वगैरह है किले का उसमें आ जाए, स्टोर हो जाता होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जाली वगैरह के नीचे जितना भी गंदा पानी है जो भी है ड्रेनेज का, इसमें आ जाता होगा। ये देखिए सीन काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये नारायण किला। तो देखिए इसकी जो वास्तुकला बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। अब मुख्य रूप से 1734 में जयपुर के राजा महाराज सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित किले का निर्माण शहर के ऊपर रिज के शिखर पर पीछे हटने की जगह के रूप में किया गया था। दीवारें आसपास की पहाड़ियों पर फैली हुई हैं, जो किलेबंदी करती हैं, जो इस किले को जयगढ़ से जोड़ती हैं, जो मतलब इसकी जो मेन वॉल है वो जयगढ़ किले से जोड़ती है, जो आमेर की पुरानी राजधानी के ऊपर का किला है। हालांकि अपने इतिहास के दौरान किले पर कभी हमला नहीं हुआ है, मतलब इसका इतिहास रहा है कि इस पर कभी हमला नहीं हुआ है, लेकिन इसने कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। और ये सनसेट व्यू आप देख सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ, भारतीय राज्य राजस्थान अपनी शाही विरासत के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से राजपूतों द्वारा शासित कई रियासतों के संघ द्वारा निर्मित राजस्थान में कई किले और महल हैं। इनमें से कुछ महल और किले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं,
जैसे कि नारायण किला है, अन्य दो किले आमेर किला और जयगढ़ किले के साथ एक बार जयपुर शहर के लिए एक मजबूत रक्षा गठन किया गया। 1734 में महाराज संचार सवाई सिंह जय सिंह द्वित्व द्वारा निर्मित इस किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ किला था। बाद में इसे एक नया नाम दिया गया नारागढ़, जिसका अर्थ बाघों का निवास था। ये मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता दिया आपको। दुनिया का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक अरावली पहाड़ियों में स्थित यह किला आपको प्राकृतिक प्रवेश का मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। जयपुर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में एक से एक नारागढ़ किला अपनी विस्तारित दीवार के लिए विख्यात है, जो इसे जयगढ़ किले से जोड़ती है। और अब हम नारागढ़ किले में अंदर प्रवेश करेंगे। ये देखिए, अब ये नारायण किले के प्रवेश द्वार की तरफ जा रहे हैं हम, और यहाँ से जितना भी सुंदर नज़ारा, जितना भी अच्छा नज़ारा आपको देखने लायक होगा वो आपको पूरा दिखाएंगे। और ये देखते रहिए कितनी देखिए ये उस छतरी वगैरह आए, और इसका जो मनमोहक सीन है कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, काफ़ी आकर्षक है। और यहाँ बहुत बहुत दूर से विदेशी भी आते हैं, ये आकर्षक पॉइंट है, टूरिस्ट प्लेस है, और राजस्थान सरकार को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक टैक्स के रूप में यहाँ पर मतलब टैक्स भी मिलता है, और दूसरा यहाँ पर जो टिकट वगैरह बिकती है उसका पैसा भी सरकार को ही जाता है, तो काफ़ी अच्छा है सरकार के लिए। और इसमें लोगों का भी फायदा होता है, क्योंकि उनकी याद रह जाती है यहाँ पर घूमने से, वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूँ, जो किले का इतिहास तो मैंने बता दिया। इसका किले की जो वास्तुकला लेआउट है बहुत ही सुंदर है, जो किले का भारतीय यूरोपीय वास्तुकलाओं का अनुसरण करता है। और किले के अंदर कई संरचना है। प्रवेशद्वार तड़ी गेट के बाईं ओर जयपुर के शासकों के देवताओं को समर्पित एक मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर भी है। इसके अलावा किले के अंदर एक और मंदिर है, जो राठौर राजकुमार नारसिंह भौमिया को समर्पित है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे मंदिर हैं जो राठौर राजकुमार नारसिंह भौमिया को समर्पित है। किले में एक और आकर्षण सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित माधवेंद्र भवन है। यह एक दो मंजिल इमारत है, ये दो मंजिल इमारत है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जिसमें राजा और उनकी 12 रानियों के लिए सूट है, मतलब इसमें 12 रानियाँ रहती थी। यह 9 समान अपार्टमेंट में बटा हुआ है, इसके जो अपार्टमेंट 9 हैं। और इसके अलावा इनमें प्रत्येक अपार्टमेंट में एक लॉबी, बेडरूम, शौचालय, रसोई, स्टोर है। महल के अंदर अन्य संरचनाएँ एवं दीवान ए आम, एक खुली हवा का घेरा शामिल है, जहाँ राजा आम लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं और शिकायतों सुनते थे, मतलब इसमें खुली जगह भी है। और इसके जो इसमें लड़ाई वगैरह भी हुई है वो हम बताएं आपको। जो नारायण किले पर कभी हमला नहीं किया गया, लेकिन इसने कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को देखा, जैसे कि 18वीं से 20वीं शताब्दी में जयपुर पर हमला करने वाली मराठा सेना के साथ संधियाँ की हैं। इस किले ने 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान इस क्षेत्र में कई यूरोपीय लोगों का आश्रय दिया था, जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट की पत्नी भी शामिल थी, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनकी पत्नियाँ शामिल थीं। और ये काफ़ी सुंदर किला है, देखिए अंदर का नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको, देखते रहिए आप, काफ़ी अच्छा नज़ारा, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और ये फोटो शूट कराने की, आप एक गाइड रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं जो मैंने बताया है इसका जो इतिहास है, उसके बारे में जो गाइड रहते हैं बताते हैं कि इसमें जो नौरानियाँ थी वो रहती थी, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट की जो पत्नी थी यहाँ रखी गई थी। और यहाँ पर ये 9 अपार्टमेंट बटा हुआ है, इसकी जो वास्तुकला बहुत ही सुंदर है, और 3 मतलब 2 मंजिला है। इसलिए अभी हम क्या है टॉप फ्लोर पर जाने वाले हैं, टॉप फ्लोर से पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको। ये देखिए अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, ऊपर जा रहे हैं बस। और ये देखिए कितने सुंदर हैं इसके जो खम्भे वगैरह हैं, उनकी जो डिजाइनिंग है, जो दरवाजे, खिड़की बहुत ही सुंदर हैं, और इनकी खिड़की वगैरह इतनी सुंदर बनाई गई है कि हवा बहुत अच्छी आती है। डायरेक्ट अगर आप घूमने आए होंगे यहाँ पर तो आप खुद देखोगे, काफ़ी सुंदर है। यहाँ की जो लाइटिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। दूसरा, आप इसमें जाओगे अंदर तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ की जो डिजाइनिंग है ना, और जो मतलब पेंटिंग वगैरह और यहाँ पे जो बनी हुई है स्केचिंग वगैरह काफ़ी सुंदर हैं। और ऊपर जाने का पूरा जो दृश्य दिखता है, ये देखिए यहाँ से पूरी जो गैलरी है बिल्कुल साफ दिखती है। जो अगर आप ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो पूरा गैलरी की डिज़ाइन बनी हुई है सभी अपार्टमेंट, 9 अपार्टमेंट में इसके, और सब में शौचालय वगैरह सुविधा है, बेडरूम वगैरह सुविधा बहुत। अब ये देखिए छतरी वगैरह कितनी अच्छी लग रही है। अभी हम बिल्कुल टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं, ये नारायण किले का टॉप फ्लोर है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से जयपुर का जो नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर लगेगा, पूरा जो जयपुर है बहुत छोटा दिखेगा। आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए कितना छोटा दिख रहा है, और देख सकते हैं आप। और हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से ये काफ़ी अच्छा सीन लगता है, और जयपुर को मतलब शाम के टाइम में जो सनराइज पॉइंट है वहाँ से देखते हैं तो काफ़ी वहाँ से भी अच्छा लगता है। और यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं हम, तो आप देखते रहिए। और ये नीचे का दृश्य है, ये 9 पार्ट में बटा हुआ है नारायण किला, मैं दोबारा सिर्फ उस चीज़ को बता दे रहा हूँ आपको। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये जयपुर का सीन है, जयपुर यहाँ से पूरा दिखता है, बहुत छोटे छोटे घर दिखते हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर जाकर है। मैंने आपको पहले बताया था इस किले तक पहुँचने तक आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई का सामना करना पड़ता है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो इसके लिए मतलब बुकिंग भी कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह भी जाती है, लेकिन उसके लिए दूसरा रूट है। अगर इस रूट से जाओगे आप संधि जो सिंधी वो है बस स्टैंड, तो वहाँ से जाने के लिए आपको मतलब बाइक वगैरह जाती है केवल ऊपर चढ़ने के लिए, और दूसरे रूट से आपको गाड़ी भी मिल जाएगी, क्योंकि वो छोटा रूट है, वहाँ रास्ते पे गाड़ी नहीं चल पाती हैं। तो ये देखिए आप छतरी वगैरह हैं,
और हम आगे घूम रहे हैं पूरी छत पर, दिखा रहे हैं छत कैसी दिख रही है आप देख सकते हैं, और पूरा यहाँ से जयपुर का नज़ारा भी आपको दिख ही रहा है। और ये बढ़ते हुए हम आगे की तरफ, इसके बाद हम नीचे चलेंगे। और ये देखिए ये जो मेन वॉल थी अभी दिखा दिया, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही खास, बहुत ही आकर्षक है ये। मतलब एक ये मान लीजिए आप यहाँ घूमने आओगे तो आपको अच्छा फील होगा, और शाम के टाइम पर तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हम दिन में हैं यहाँ पर और मौसम भी अच्छा रहता है, अगर शाम के टाइम में अगर आप जाओगे घूमने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। ये देखो ये मतलब कितना अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ पर लोग आते हैं तो मतलब प्री वेडिंग शूट भी होता है या फिर वीडियो शूट भी होती है, क्योंकि एक अच्छा सीन बन जाता है ना बैकग्राउंड में, तो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और ये जो नीचे का नज़ारा है यहाँ पर देखिए तो वगैरह रखी रहती हैं, और ये है काफ़ी सुंदर, ये प्रवेश द्वार था वहीं का सीन है जहाँ से मैंने प्रवेश किया था। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और बिल्कुल हम नीचे वाले फ्लोर पर हैं, ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर का देखिए मतलब हर उसमें शीशे दरवाजे बेडरूम वगैरह सब कुछ है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो हम अब नीचे चलेंगे और नीचे के जो दृश्य हैं, बेडरूम बेड वगैरह भी पड़े होंगे वो हम दिखाते हैं आपको, अब बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए ये गली से हम चलते हुए आगे की तरफ, यहाँ की जो गलियाँ काफ़ी सुंदर हैं, और जो देखिए पीछे खिड़की मैंने दिखाई ना, पीछे खिड़की से बहुत आवाज़ मतलब हवा के साथ आवाज़ भी आती है, हवा की फरफर करके काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है, इसमें ये जो रस्से टाइप के बने हुए हैं राजा मतलब इसको यूज़ करते थे कि बांधने वगैरह के लिए, ये देखो आप देख सकते हैं, मतलब ऐसी ये जो उनके अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट हर कुछ ना कुछ खास है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोटो वगैरह वीडियो शूट वगैरह हो रहा है, ये देखो उधर उधर करके फ़ोटो खींच रहे हैं इनका। और ये राजा महाराजा का देखो गलियारे वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा सीन है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इस बात को, तो आप भी जब आओगे महसूस करोगे, बाकी में बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जो राजा महाराजाओं की जो चारपाई होती थी, तो उनकी जो बनाई वगैरह होती थी उसके लिए जो रहती है ना, तो उसकी वो टंगी हुई है निवार टाइप की, तो निवार का वो सीन दिखाएंगे आपको, काफ़ी सुंदर है। देखो निवार, ये निवार है, मैं ऊपर से दिखाई थी, अब हम नीचे से देख सकते हैं उसको, काफ़ी अच्छा सीन है। और ये राजा महाराज के यूज़ करने वाले कुछ डिब्बे वगैरह हैं और कुछ आकृति हैं जो इनको यूज़ करते थे राजा महाराजा, तो ये देख सकते हैं। इसमें ब्रिटिश रानियाँ ठहराई गई थी और नौरानियाँ रहती थी, काफ़ी सुंदर और काफ़ी ऊपर बना हुआ है। और यहाँ के दरवाजे खिड़कियाँ और ये वाला आकृति है बहुत सुंदर, ये देखिए बेड वगैरह हैं जिस पर राजा वगैरह लेटते थे, ये देखो बेड है काफ़ी सुंदर, हर बेड हर एक अपार्टमेंट में शौचालय सुविधा, बेडरूम है, बेड है, और मतलब कि सैन का सब कुछ है, काफ़ी सुंदर है। और ये देखिए बाहर निकलते हुए हम, और यहाँ पर ये देखिए मटके वगैरह रखे हुए हैं, मतलब राजा महाराज की जरूरत की चीज़ थी, काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए मटके घड़े काफ़ी सुंदर, ये कितने सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी डिजाइनिंग वाले हैं, काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के घड़े हैं, मटके हैं जो राजा महाराज यूज करते थे अपने जल पीने के लिए, तो काफ़ी सुंदर है ये। और ये चलिए आगे की तरफ, मतलब छत देखो कितनी सुंदर लग रही है, कैमरे वगैरह भी लगे हैं यहाँ सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ पर स्टाफ भी लगाया गया है, राजस्थान पुलिस भी सपोर्ट करती है, दूसरा यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगाई गई है ताकि कोई अनवांटेड कुछ अनहोनी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं यात्रा करने के लिए या जितने भी बाहर से आ रहे हैं टूरिस्ट, तो आराम से अपना यहाँ पर आएँ और घूम घाम के आराम चले जाएँ एक याद बना करके। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा, और पूरा मैंने दिखा दिया उसके बारे में इतिहास भी बता दिया आपको, और काफ़ी सुंदर है। और आगे हम थोड़ा सा नज़ारा जो छूट गया वो हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए यहाँ से जो बाहर की तरफ चलेंगे तो हम दिखाएंगे ये चलने वाले हैं। और यहाँ पर ये देखो मुख्य द्वार प्रवेश द्वार यही था, जैसे हम बाहर निकलेंगे और चलते हैं उधर ही, ये देखो सिक्योरिटी वगैरह लगे हुए हैं चेक करने के लिए, ये तलाशी वगैरह लेते हैं कोई भी जब आदमी अंदर जाता है तो उसी टाइप में है। और ये देखो यहाँ पर ये होटल रेस्टोरेंट टाइप का है, अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाना बहुत थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन काफ़ी अच्छा मिलता है, बैठने की सुविधा आप शांति से बैठ कर आप फैमिली के साथ जाओगे, कपल भी जा सकता है, तो इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पर बैठने की, तो आप आराम से तसल्ली से बैठ के खाओगे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ पर अंदर बैठे हुए, अंदर चलते हैं थोड़ा दिखाते हैं आपको, तो सुंदर तरीके से खा सकते हैं, ये देखो यहाँ पर आराम से बैठ के खा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ लोग, ये देखो यहाँ पर मतलब चारपाई भी है, आप मतलब आराम से चारपाई बैठ के खा सकते हैं, कुर्सी भी है कुर्सी बैठ के खा सकते हैं, और मतलब टेबल भी हैं, ये देखो यहाँ पर एक कुर्सी में बैठ के खा रहे हैं, ये देखिए आप कितना सुंदर नज़ारा है। तो इसके बाद और हम दिखा रहे हैं पूरा आगे की तरफ, यहाँ पर देखिए आप मतलब आराम से लेट भी सकते हैं, आराम थक जा रहे हैं, तो लेटने वेटने की व्यवस्था भी अच्छी खासी है,
काफ़ी सुंदर है। और तो यहाँ से भी चलते हुए हम आगे की तरफ, ये यहाँ का होटल रेस्टोरेंट भी दिखा दिया हमने। ये देखो खाना वगैरह है जो मतलब बैठ के लोग खाते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर कुछ आपको पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है तो उसका है, आराम से सब कुछ मिल जाता है। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आती है।